हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ तड़कती धड़कती गर्मियों में आपको सरोजनी मार्केट। बाय गॉड, आज मौसम अच्छा था, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को और देखते हैं अभी समर में न्यू कलेक्शन क्या आया हुआ है। चैनल पे अगर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आजकल मार्केट तो ना बिल्कुल ये मेट्रो के बाहर ही लगने स्टार्ट हो जाती है। कुछ फुटवियर्स मिल रहे थे, कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस के भी क्लॉथ मिल रहे थे यहाँ पे, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। और ज्वेलरी भी यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख जाएगी मेट्रो के साइड में ही। बट मेरा थोड़ा एम था कि मैं मार्केट में जाके एक्सप्लोर करूँ, तो मैंने थोड़ा स्किप किया और मार्केट में चली गई। बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मार्केट में एंटर करते ही जिस लेन से ना सब्जी मंडी लेन में अंदर जाते हैं ना, एकदम कॉर्नर पे आपको ये बैग वाले भैया की शॉप मिलेगी। यहाँ पे आपको ना 300 रुपीज की रेंज में काफी सारे स्लिंग बैग का कलेक्शन मिल जाएगा और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी वाली आपको मिलेगी। इसके अलावा इनके पास में 350 रुपीज की रेंज में थोड़े से बड़े साइज वाले बैग मिलेंगे, टोट बैग्स भी इनके पास में मिलेंगे। बैकपैक्स का भी कलेक्शन इनके पास में था, उनके थोड़े से प्राइस अलग थे। बट ये स्लिंग बैग बहुत ही प्रिटी थे, मैट फिनिश में थे, कलर ऑप्शन बहुत सारे थे। शॉप नंबर 101 के बाहर हमेशा की तरह आपको ज्वेलरी कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्वेलरी कलेक्शन के साथ साथ इस टाइम पे ना हेयर एक्सेसरीज भी मिल जाएंगे, लाइक क्लीचर्स वगैरह मिलेंगी। बहुत ही अच्छे वाले इयररिंग्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, कोरियन इयररिंग्स मिलेंगे जो कि 100 रुपीज की रेंज में थे। और सिल्वर वाले इयररिंग्स एज यूजुअल हमेशा की तरह 50 रुपीज की रेंज में थे। ब्रेसलेट्स पर्ल वाले जो मिलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं स्टड, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 50 रुपीज में भी। आपको कोरियन इयररिंग्स का कलेक्शन इनके पास पे मिलेगा और डिजाइन देखिए कितने प्यारे प्यारे थे, डेजी वाले, फ्लावर वाले, बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। इसके अलावा मल्टी कलर इयररिंग्स भी इनके पास में काफी सुंदर सुंदर डिजाइन में थे, काफी अच्छा और प्रिटी कलेक्शन था इनके पास में। सारे यूनिक डिजाइन थे, जैसे कि अभी ईद आके गई है एंड और भी फेस्टिवल और शादी सीजन आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इनके पास बहुत सुंदर सुंदर से इयररिंग्स आपको 50 रुपीज की रेंज में मिल जाएंगे। और कुछ कुछ बड़े इयररिंग्स है वो 100 रुपीज की रेंज में भी इनके पास में थे। इसके बाद मैंने इस कैंटीन वाली लेन के पास से ही कर लिया मार्केट में एंटर और कॉर्नर पे ही कैंटीन के बाहर यहाँ पे 300 रुपीज की रेंज में आपको इस टाइप के कॉटन के कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे जो कि समर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। इनमें थोड़ा साइज का इशू रहता है, आपको मीडियम लार्ज के साइज मिलेंगे, इससे बड़े साइजेस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको ना कलर डिजाइन बहुत सुंदर सुंदर से मिल जाएंगे कॉटन के फैब्रिक में कुर्ता और पैंट के सेट का। आपको ना 200 रुपीज की रेंज में बहुत ही ब्यूटीफुल से ये कार्गो पैंट मिल जाएंगे। इनमें आपको ना कलर ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे और आज के लिए ना बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और सच बताऊं तो ये इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि जैसे कि ना गर्मियों में जीन्स नहीं पहनी जाती है, तो ये पैंट्स बड़े ही कम्फर्टेबल रहते हैं। इनमें ना कलर ऑप्शन भी इनके पास बहुत सारे थे, पेस्टल शेड्स भी आपको मिल जाएंगे, डार्क शेड्स भी आपको मिल जाएंगे, व्हाइट के भी काफी सारे शेड थे इनके पास में 200 रुपीज की रेंज में। और 150 रुपीज़ की रेंज में यही पैंट वाले भैया के पास वाले स्टॉल पे 150 रुपीज़ की रेंज में आपको वाइट कलेक्शन मिलेगा। वाइट कलेक्शन मार्केट में आपको और भी बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वाइट में क्रॉप टॉप मिल जाएंगे, वाइट में नॉर्मल टॉप्स मिल जाएंगे, शर्ट्स मिल जाएंगे एंड वाइट में ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। तो अभी मैंने कर लिया है मूव एक्सपोर्ट लेन की तरफ। एक्सपोर्ट लेन के कॉर्नर पे ही आपको ये वाला स्टॉल मिलेगा जहाँ पे आपको 200 रुपीज़ की रेंज में इस टाइप की वन पीस मिडी ड्रेसेस मिल जाएंगी जो कि कॉटन एंड और थोड़ा सा सिंथेटिक वाला जो फैब्रिक रहता है, उन दोनों टाइप की ड्रेसेस थी। इसको स्लीवलेस वाली भी मिलेंगी एंड आपको नॉर्मल स्लीव वाली भी मिल जाएंगी इनमें।
तो आप समर के लिए इस टाइप की ड्रेसेस वगैरह भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से। इन सारी ड्रेसेस में आपको ना इतने सुंदर सुंदर से प्रिंट्स मिलेंगे जो कि सारे समर एप्रोप्रिएट थे। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट सरप्लस टाइप कलेक्शन लेना चाहते हैं, इसमें आपको ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड सभी टाइप के थोड़े यूनिक कलेक्शन मिल जाते हैं, तो शॉप नंबर 195 पे आपको इस टाइप की बिल्कुल सॉफ्ट वाले फैब्रिक्स में लिनन टाइप के फैब्रिक में शर्ट्स मिल जाएंगी एंड चेकर्ड शर्ट्स भी मिल जाएंगी। इनकी प्राइस रेंज तो ये लोग ज्यादा ही कोट करते हैं 350-400 तक, बट आपको 200 तक की रेंज में इजिली दे देते हैं। और इस टाइप की शॉप्स पे आपको ना मल्टीपल कलेक्शन मिलता है, लाइक आपको शर्ट्स तो मिलेंगी, शॉर्ट्स भी मिलेंगे, श्रग मिलेंगे एंड और भी काफी सारी डिफरेंट चीजें मिल जाएंगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो कुछ यूनिक सर्च करके लेना चाहते हैं इन वाली शॉप पे आप ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा यूनिक सर्च कर सकते हैं। जो भी क्रॉप टॉप इस वाली शॉप पे थे वो 250 रुपीज की रेंज में भैया ने बताए थे मुझे, और शायद इनके प्राइस ये कम नहीं करते होंगे ज्यादा, 200 तक लास्ट वाले कर देते हो ये, क्योंकि इनकी क्वालिटी ना काफी अच्छी थी। बाद में पहुंच गई शॉप नंबर 194 जो कि जस्ट इसके बगल में थी। इस वाली शॉप पे आपको काफी सारा ब्रांडेड ड्यूप कलेक्शन मिल जाता है, एच एन एम जारा के काफी सारे ड्यूप्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और इनके पास ना मुझे सबसे पहले तो ये शर्ट दिखी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी, कॉट शर्ट दिखी इनके। इस वाली शॉप पे ना आपको कॉट शर्ट, ड्रेसेस एंड टॉप का कलेक्शन जो मिलता है बहुत ही यूनिक मिलता है। पहले आप देखिए बार कलेक्शन, फिर मैं आपको प्राइस बताती हूँ। यहाँ पे आपको कॉटन के कॉर्ड सेट भी मिलेंगे और इस टाइप के सॉफ्ट से फैब्रिक के थे, मतलब ये कौन सा फैब्रिक था, लिनन टाइप का फैब्रिक लग रहा था। उसमें भी कॉर्ड सेट इनके पास में अवेलेबल थे, प्रिंटेड कॉर्ड सेट भी थे। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो 700 रुपीज से कॉर्ड सेट स्टार्ट हो रहे थे इनके पास में, लास्ट 1000 तक की रेंज में आपको मिलेंगे कॉर्ड सेट इनके पास में। कॉर्ड सेट की काफी सारी वैरायटी मिलेगी, कलर एंड डिजाइन सारे ही समर एप्रोप्रिएट मिलने वाले हैं आपको। जो आपने प्रिंटेड वाले कॉर्ड शर्ट देखे थे वो भी 700 रुपीज़ के थे एंड ये प्लेन वाले जो थे सॉलिड कलर में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, और इनके साथ अपना बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। इनमें आपको काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, पेस्टल सेट्स थे इनके पास में एंड लाइट कलर के थे जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे, समर के लिए तो बहुत अप्रोप्रिएट, इनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। एंड अगर आप थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले कॉट सेट एंड ये टाइप के अफगानी सेट लेना चाहते हैं तो वो भी इनके पास में आपको मिल जाएंगे 550-600 रुपए की रेंज में। काफ़ी सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन थे इनके पास में, प्रिंट्स बहुत प्यारे थे, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी हो रखी थी, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वन पीस ड्रेसेस, कॉट सेट एंड शॉर्ट कुर्तीज, इन सभी का भी कलेक्शन आपको खूब मिलेगा इस वाली शॉप पे। और एंड क्रॉप टॉप भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। इन सभी की रेंज अगर मैं बताऊँ तो क्रॉप टॉप आपको 250 तक की रेंज में मिलेंगे, 200-250 तक की रेंज में। शॉर्ट कुर्तीज आपको 250 तक की रेंज में मिल जाएंगे एंड इस टाइप के कॉट सेट आपको 500-700 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगे। इस टाइप का ओवरऑल बहुत सुंदर कलेक्शन मिलेगा, प्राइस रेंज इनकी शॉप पे 200 से स्टार्ट होकर 1000 तक की रेंज की जाती है। क्रोचेट टॉप, ग्राफिक टी शर्ट या इस टाइप के शॉर्ट वाले नाइट सूट, ये भी आपको यहाँ पे खूब सारे मिल जाएंगे। एंड इस टाइप के नाइट सूट जो थे शॉर्ट्स वाले, ये आपको 400 तक की रेंज में मिल जाएंगे। क्रोचेट टॉप भी आपको 300 तक की रेंज में मिल जाएंगे। वाली शॉप के बाहर भी 150 रुपीज की व्हाइट कलेक्शन की आपको सेल मिलने वाली है, जिसमें आपको काफी सारे टॉप, शर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ना थोड़ा सा टाइम देके सर्च करेगा, कुछ कुछ अच्छा पीस आपको जरूर मिलेगा।
150 रुपीस की रेंज में आपको इस टाइप की हील्स मिल जाएंगी, जिसमें बहुत ही प्यारे कलर थे गाइस, इस टाइप के बीच कलर में, न्यूट कलर में एंड बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलर में यहाँ पे आपको हील्स मिल जाएंगी 250 रुपीस की रेंज में। और भी काफ़ी सारे फुटवेयर के ऑप्शन थे यहाँ पे जो कि बिना हील्स के भी थे, तो आप उस टाइप के भी देख सकते हैं। इस वाली फुटवेयर वाली शॉप का नंबर था 193। अलावा यहाँ पे ना क्रॉक्स भी मिल जाएंगे, और ये क्रॉक्स में ना ये गुच्ची और भी बहुत सारे ब्रांड्स के ड्यूप फुटवेयर्स अवेलेबल थे, देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी ना बड़ी ही अच्छी थी, सारे क्रॉक्स थे, तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के ही थे, तो अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसे ब्रांडेड ड्यूप्स टाइप पहनना चाहते हैं तो वो भी ले सकते। बॉयज़ के शूज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप पे, एज वेल एज लड़कियों के लिए भी स्नीकर अवेलेबल थे। 500 से स्टार्ट होकर 1500 तक के शूज़ अवेलेबल थे यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स के डूप्स मिल जाएंगे आपको इस वाली शॉप पे। एंड यहाँ पे 200 and 250 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी सारी ग्राफिक टी शर्ट्स मिल जाएंगी जो कि यूनिसेक्स थी। एंड यहाँ पे कॉलर में भी टी शर्ट्स अवेलेबल थी, जैसे कि कुछ कुछ बॉयज़ को ना कॉलर वाली टी शर्ट्स पसंद होती हैं, तो कॉलर में भी टी शर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी इसी फुटवेयर वाली शॉप पे। थोड़ा सा और आगे चल पे मुझे ये वाली शॉप मिली, 200 रुपीज़ की सेल थी यहाँ पे। यहाँ पे सारा एक्सपोर्ट एंड सरप्लस का कलेक्शन था। यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स अवेलेबल थे जो कि जॉर्जेट और थोड़े से सीफॉन टाइप के फैब्रिक में जो रहते हैं ना, उस टाइप के टॉप्स अवेलेबल थे। तो अगर आप कुछ इस टाइप का परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस वाली शॉप से आके परचेज कर सकते हैं। इन वाली भैया का शॉप नंबर था 192, और भैया का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक था। रोजनी नगर मार्केट हो और 100 रुपए की सेल ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने देखी है 100 रुपए की सेल, यहाँ पे काफी सारे टॉप्स मिल रहे थे। 100 रुपए की सेल में आपको काफी सारे क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे, और थोड़ी सी नेट टाइप के फैब्रिक में जो टॉप्स होते हैं वो मिल जाएंगे। इन वाले स्टॉल्स को ना बहुत अच्छे से चेक करना होता है, क्योंकि आप साइज ऊंचा नीचा लेके आ सकते हो एंड कई बार फटा पीस भी मिल सकता है। इसके बाद मैंने देखी शॉर्ट कुर्ती की सेल, जो कि बहुत प्रिटी थी, इतने प्यारे प्यारे कलर थे। 200 रुपीज़ की रेंज में शॉर्ट कुर्तीज थी, इनमें आपको प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी वाली सभी टाइप की कुर्तीज मिल जाएंगी, जो वह बहुत प्रिटी थी। और इस टाइप की पैडेड वाली वन पीस ड्रेसेस भी आपको 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी। ये टाई एंड डाई वाला फैब्रिक जो प्रिंट था, मुझे तो दिल ही ले गया, बहुत प्रिटी था। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो यहाँ पे मिल रहे थे स्कार्फ। 100 रुपीस की रेंज में स्कार्फ थे, काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स में। तो समर के लिए ना स्कार्फ बहुत ज़रूरी रहते हैं मार्केट में, जैसे कि स्किन टैनिंग होने से बचा देते हैं हमारी। काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे 100 रुपीस की रेंज में गाइस, तो आप ले सकते हैं। वूलन वाले स्कार्फ क्यों मिल रहे थे लेकिन पता नहीं मिल रहे थे, तो मैंने दिखा दिया आपको अभी ये। इसके बाद फिर मैंने 100 रुपीस की एक और स्टॉल देखा, जहाँ पे ये लोवर्स मिल रहे थे, जो कि आप समर में पहन सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक में थे, प्लाजो टाइप के थे, जिसे आप समर में ईजिली पहन सकते हैं। और इनके पास मैंने ऐसे टॉप भी थे उसी फैब्रिक में, जैसे मिक्स एंड मैच करा के भी आप कुछ पहन सकते हैं। 100 रुपए की रेंज में टॉप एंड 100 रुपए की रेंज में ही पैंट थे, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं अपने लिए। मैं थोड़ा सा और आगे चल रही, यहाँ पे रास्ते में मुझे काफ़ी सारे स्टॉल दिख रहे थे 100 रुपीज़ वाले 200 रुपीज़ वाले, जहाँ पे टॉप व्हाइट शर्ट मिल रहे थे, बट मुझे तो कुछ अलग सा देखना था, तो मैं और आगे आ गई। मैं आ गई इस वाली शॉप पे, यहाँ पे ना टी शर्ट्स का खजाना था इस वाली शॉप पे, यहाँ पे ना ड्रेसेस का खजाना था। टी शर्ट्स मिल रही थी, एक्सपोर्ट एंड सरप्लस की ड्रेसेस थी, 300 रुपीज़ की ड्रेसेस थी। 200 रुपीज़ में आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मुझे लड़कों के लिए शर्ट्स दिखी, जो कि थोड़े से निटिंग टाइप के फैब्रिक में थी, 300 रुपीस में थी, और ये बड़ा ही फंकी लुक दे रही थी, मतलब बॉयज़ को बहुत पसंद आने वाली हैं आजकल के। इसके अलावा ड्रेसेस तो बहुत सारी थी 300 रुपीस की रेंज में। इस वाली शॉप का जो नंबर था वो था 111, मतलब 111।
स्काई सी ब्लैक वाली फ्रिल वाली ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब अगर मैं पतली होती तो डेफिनेटली ज़रूर परचेज करती। और गाइस टी शर्ट जो थी वो 300 रुपीज़ की रेंज में थी, 200 में नहीं थी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो बॉय ये टी शर्ट जो थी वो यूनिसेक्स थी और ग्राफिक प्रिंट में थी, तो बॉयज़ भी पहन सकते हैं। इसी शॉप के बाहर ना स्टॉल लगा हुआ था बॉयज़ के लिए हाफ शर्ट का, जो कि काफ़ी अच्छे फैब्रिक में थी। इनमें बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल थे, मतलब बड़ा कूल कूल से प्रिंट्स थे, गोवा वाले प्रिंट्स लग रहे थे मुझे तो एकदम ही। और इसके पास में ही ना ये क्रॉप टॉप का स्टॉल था, जो कि 200 रुपीज़ की रेंज में आपको क्रॉप टॉप मिलेंगे। और इसमें ना कलर बहुत प्यारे थे गर्ल्स के लिए। और रास्ते चलते आपको इस टाइप के 200-300 रुपए की 200-100 रुपए की रेंज में आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पे आपको टी शर्ट्स टॉप्स एंड यूनिसेक्स टी शर्ट खूब सारी मिलती हुई दिखेंगी। तो मुझे एक और स्टॉल मिला जहाँ पे ये यूनिसेक्स टी शर्ट्स एंड गर्ल्स के टॉप भी मिल रहे थे। बात अगर आप कुछ इंडियन वेयर लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ना आपको अनाकली एंड कुर्ती प्लाजो के सेट्स नायरा कट के बहुत सुंदर सुंदर से सूट मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि सब पे प्राइस टैग लगा हुआ था, तो आपको बार्गेनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ट्राई कर लेना, अगर कुछ कम कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके अलावा ना इनके पास ना इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वाले नाइट सूट्स का कलेक्शन था, कलर एंड प्रिंट्स इतने ज़्यादा प्यारे थे कि मतलब गर्ल्स को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 350 रुपीज़ की रेंज में आपको ये प्राइस मिलने वाले हैं नाइट सूट। शॉप नंबर 134 के बाहर आपको ना ये इस टाइप का कलेक्शन मिलेगा, जो कि 100 रुपीज़ के रेंज में था, जिसमें आपको बहुत सारे क्रोसिया टाइप टॉप मिल जाएंगे कि निटिंग वाले फैब्रिक में, और इस टाइप के थोड़ा सा मतलब अलग ही वैरायटी का फैब्रिक था। इसमें आपको काफ़ी सारे टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ना यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स पे आपको इस टाइप का एक्सपोर्ट सरप्लस का कलेक्शन मिलने वाला है, जहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन की ड्रेसेस मिलने वाली, जिनका दूसरा पीस नहीं मिलेगा, आपको एक ही पीस मिलेगा। एंड काफ़ी सारे टॉप्स का कलेक्शन मिलने वाला है आपको, तो ये सब भी आप परचेज कर सकते हैं। कि काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी आपको जहाँ पे इस टाइप का एक्सपोर्ट सरप्लस का ही कलेक्शन मिलेगा। इसमें आपको शर्ट्स पैंट शॉर्ट्स सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस टाइप की शॉप में आपको प्राइस रेंज क्या मिलने वाली है, वैसे तो ये प्राइस कोड ज़्यादा ही करते हैं, और अगर सेल होती तब तो ठीक रहता, नहीं तो आपको यहाँ पे प्राइस 200 से लेके 500 तक की रेंज के रहते हैं, और इनमें आप बार्गेनिंग ज़रूर करें। जैसे कि मैंने ये जो नेक्स्ट वाली शॉप दिखा, जो मैं अभी शॉप दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना 200 रुपीज़ के सेल में टॉप थे। तो सेल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सेल में आपको बस पसंद करना है, परचेज करो, बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ की रेंज में आपको ऐसे ना सीफोन जॉर्जेट वाले फैब्रिक के जो टॉप्स होते हैं ड्रेसेस होती है वो मिलने वाली, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। और इस वाली शॉप पे ना 300 रुपीज़ की रेंज में ड्रेसेस भी अवेलेबल थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिनका फैब्रिक भी अच्छा था एंड
डिजाइन भी अच्छी थी। कुछ और ड्रेसेस भी इनके पास अवेलेबल थी जो कि सबसे ऊपर लगी हुई थी, वो 450 रुपीस की रेंज की थी। और गाइस गर्मी बहुत है इसलिए पानी की बोतल लेके जाएं, लोग पानी की बोतल लेकर पानी पीने में लगे हुए थे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए बोतल जरूर लेके जाएं पानी की अपने साथ में। आज का वीडियो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।